होती है, बेटा पैदा नहीं होता, इसलिए अब की बार बेटी पैदा हुई तो तलाक दे देंगे, इस तरह की धमकियां दी जाती है। बल्कि जिस घर में जिस बहू को बेटियां होती है, उन बहुओं को ताना दिया जाता है, तू तो बेटी की मां है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, बेटे और बेटी मां की तरफ से नहीं होते, बल्कि औलाद जो मिलती है वो बाप की तकदीर से मिलती है। तो जो लोग औरतों को ताना देते हैं ना कि तुझे बेटियां ही पैदा होती है, औरत का कोई कसूर नहीं है, ये तो मजहब है ना, मजहब है, मजहब की तालीम है ये। क्या तालीम है मजहब की? मजहब की तालीम ये है कि बाप की तकदीर से औलाद मिलती है, क्योंकि औलाद का ताल्लुक किससे है? बाप से, क्योंकि वो बाप की पुश्त में ना, ये मजहब है। साइंस भी ये कहती है कि औरत के अंदर जो औलाद की पैदाइश के मादे हैं वो दोनों एक से एक से है, एक समझाने के लिए, एक से एक से, और मर्द के यहां एक्स और वाई दोनों है। तो जब एक्स से एक्स की मुलाकात होती है तो बेटा पैदा होता है, और जब एक्स से वाई की मुलाकात होती है तो बेटी पैदा होती है, ये साइंस कहती है। अब आप मुझे बताएं, आप जिस औरत को ताना दे रहे हो उसके वहां तो वाई है ही नहीं, वो वाय तो आपकी वजह से है, तो आपको ताना उसको नहीं देना चाहिए, ताने का जिम्मेदार तो आप हो। और अगर आप मुसलमान हैं तो आप भी ताने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया हम जिसको चाहते हैं बेटियां देते हैं और जिसको चाहते हैं बेटा देते हैं, चाहत तो उसकी है, ताना देने वाला तू कौन होता है? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसके घर में तीन बेटियां हो, अब जब अल्लाह की चाहत पर मुसलमान राजी ना हो तो फिर कौन राजी? हुजूर फरमाते हैं जिसके घर में तीन बेटियां हो, अच्छे नाम रखे, अच्छी परवरिश करे और अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे, अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे। आका फरमाते हैं इस तरफ, मेरी तरफ देख लें, अब आप मेरे नबी ने मिंबर पे खड़े होकर फरमाया तीन बेटियों की परवरिश करे, अच्छी अच्छे घराने में शादी कर दे, इस हाल में कि बेटियों का दिल ना दुखा, इस हाल में कि बेटियों की अच्छी परवरिश की हो। आका ने फिर अपना हाथ उठा दिया, मेरे हाथ उनके हाथ की तरह नहीं, किसी के हाथ उनके हाथ की तरह नहीं, सिर्फ बताने के लिए। हुजूर सैयद आलम ने अपना हाथ उठा दिया, वो हाथ जिस समतो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हुजूर ने अपने हाथ उठा दिए, वो हाथ जिसको कुरान यदुल्लाह कहता है, कुरान कुर्बान जाए वो हाथ उठाएं जिन हाथों की शान ये है, वमा रमैता इद रमैता वला किन अल्लाह रमा। अगर वो हाथ कंकरी फेंक दे तो कुदरत कहे तूने नहीं महबूब, हमने कंकरियां फेंकी है। हुजूर ने वो हाथ उठाए, सहाबा की तवज्जो हो गई। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा ये देख रहे हो ये दो उंगलियां कितने करीब है? हुजूर ने यूं किया, सरकार ने गोरे गोरे नर्म नर्म खूबसूरत हाथ यूं किया, गोया के वो यदुल्लाह को हुजूर ने यूं किया और फरमाया मेरे सहाबा ये जो देख रहे हो दो उंगलियां कितने करीब है। अब आप देख रहे हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए, ये दो उंगलियां कितनी करीब है, इनमें कोई फासला नहीं है। आका फरमाते तीन बेटियों का बाप जो बेटी की पैदाइश पर खुशी करे, अच्छे नाम रखे, अच्छी तरबियत करे, अच्छे घराने में शादी कर दे, हुजूर फरमाते जैसे ये दो उंगलियां करीब है तीन बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने ही करीब रहेंगे। नमाज पढ़ने पे सवाब की बशारत है, हज पढ़ने पे मगफिरत की बशारत है, बेटी की परवरिश करने पर यूं जन्नत में पड़ोस मिलने की बशारत है। हुजूर ने जो कह दिया हमारा ईमान है, खुदा की कसम अगर आपको किसी डॉक्टर का पड़ोस मिल जाए, किसी सियासतदान का पड़ोस मिल जाए, आप कहते हैं अपने को टेंशन नहीं, इसलिए कि पड़ोस फुलां का मिला है। खुदा की कसम दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में, मालिक जन्नत का पड़ोस जिसको मिल जाए फिर उसकी शान क्या होगी, और वो किस बुनियाद पे मिलेगा? हुजूर फरमाते इतने करीब होंगे, कुर्बान जाए इतने करीब होंगे। दुनिया का लालची तो शायद इसकी अहमियत महसूस करे ना करें, हुजूर का सच्चा गुलाम तो कहे अल्लाह बेटियों से घर भर दे। हुजूर का सच्चा गुलाम जिसने दीन पढ़ा हो और जो सच्चा मुसलमान हुआ हो, अब बताएं वो दुआ ना करेगा अल्लाह बेटी अता कर दे? सरकार ने फरमाया इतने करीब होगा। महफिल मौजूद थी,
क्योंकि हर बंदे की यहां, हर खुशनसीब की यहां तीन बेटियां नहीं होती ना। मैं उसको खुशनसीब मानता हूं जिसके घर तीन बेटियां हैं। खुश हो जाओ, उन पे जुल्म नहीं करना, उनको बोझ नहीं समझना, उनको तकलीफ का जरिया। कहां से शादी होगी मौलाना? अरे नादान, जिसने पैदा किया वो इंतजाम भी करेगा। अल्लाह पे तवक्कुल तो कर। अल्लाह पे, मोमिन का तवक्कुल अल्लाह पे होता है, भरोसा अल्लाह पे होता है। लोग बहुत टेंशन में होते हैं और टेंशन इसलिए पैदा हुआ कि लोग लालची हो गए। अब शादियां मालदारों के यहां जल्दी होती है, गरीबों की बेटियों को कौन पूछता है? दीनदार लोग भी सोचते हैं कि जरा कोई मालदार घराना मिले। हालत यह है, कैफियत यह है। हर घर में तीन बेटियां नहीं होती। हुजूर ने फरमाया तीन बेटियों का बाप उसकी परवरिश करने वाला और मैं इस तरह जन्नत में होंगे जैसे दो उंगलियां करीब है। एक सहाबी के घर दो बेटियां थी, खड़े होकर कहते हैं मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। अगर किसी के घर तीन ना हो सकी बेटियां, दो ही हो तो आका फरमाते उसकी परवरिश करे तो वो भी मेरे साथ इसी तरह जन्नत में होगा। एक वाला तड़पने लगा और सोचा कि मैं न तीन है न दो है। खड़े होकर अर्ज की आका अगर तीन ना हो सके, दो भी ना हो सके, अगर ऐसा ही हो एक ही मिले तो। यानी उस महफिल को हुजूर ने इस तरह रश्क की महफिल बना दिया कि एक वाला दो की तमन्ना करने लगा और दो वाला तीन का मुतमन्नी हो गया। यानी बेटियों को अपने हाथ से दफन करने वाले अब बेटियों का मुतालबा करने लगे। यही तो मेरे नबी का इनकलाब है, यही तो मेरे रसूल का इनकलाब है कि कहां वो दौर जिस दौर में बेटियों को दफन किया जा रहा था और कहां वो दौर मस्जिद नबी के सहन में लोग चुपके चुपके कह रहे थे अल्लाह एक क्यों दिया, दूसरी भी दे दे। जो दो वाले थे वो कहते थे अल्लाह दो की तीसरी भी दे दे। कौन? जिसने अपने हाथों से बेटियां दफन की थी। ये इनकलाब है मुस्तफा करीम का। हुजूर सिर्फ मस्जिदों को आबाद करने नहीं बल्कि बेटियों की अहमियत बताने भी आए थे। हमने दीन का कुछ हिस्सा लिया, बाकी दीन छोड़ दिया, ये यहूदियों का तरीका है। दीन मुकम्मल ये है जो हुजूर अलैहि सलाम लेकर आए थे। तो दो वाले को जन्नत की बशारत मिली तो एक वाले ने चुपके से अर्ज किया अब्दुल्ला और आमिना के लाडले मेरे माँ बाप तेरे माँ बाप पे कुर्बान और मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। यार रसूल अल्लाह जिसके यहां तीन ना हो सके दो को बशारत, जिसके यहां दो ना हो सके आका अगर किसी को एक ही बेटी हो या रसूल अल्लाह तो उसके लिए क्या है? मेरे नबी का दरियाए करम जोश में था, फरमाया अगर किसी के यहां दो ना हो सके तीन ना हो सके और एक ही बेटी हो, एक बेटी की परवरिश पर भी मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूं, वो मेरे इतने करीब होगा जैसे दो उंगलियां आपस में करीब है। हुजूर ने किसको बशारत दी? बेटे के बाप को नहीं, बेटी के बाप। आज तो उसका सीना तन जाता है जो बेटे का बेटा भी दे तो खुश है, गम की बात नहीं। बेटे से नस्ल चलती है, बेटे से मिशन चलता है, बेटा भी होना चाहिए। लेकिन आज हम बेटी की फजीलत इसलिए बता रहे हैं कि बेटियां बोझ लगने लगी है माँ बाप, बेटियां बोझ लगने लगी है माँ बाप, बेटियों के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है, बेटियों को माजल्ला गलत नजर से देखा जा रहा है, बेटियों को वो प्यार नहीं दिया जाता। बेटा गलती करके भी माँ बाप पे टाइट होता है और वो माँ बाप को आंखें दिखाता है, लेकिन बेटी से गलती हो जाए तो उसको दिन भर ताने दिए जाते हैं, बेटी को गालियां दी जाती है। आज लोग कहते हैं हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग क्यों रही है? जिस बेटी को घर में प्यार नहीं मिलेगा वो प्यार बाहर तलाश नहीं करेगी। मैं ये नहीं कहता कि उनकी रविश सही है, उनकी रविश की मैं ताईद नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है। लेकिन जिस बेटी को माँ बाप का प्यार ना मिले, जिस बेटी को भाई का प्यार ना मिले, मुझे बताओ वो मोहब्बत बाहर तलाश न करेगी? आज घरों के अंदर बेटियों को प्यार का माहौल कहाँ है, मोहब्बतों का माहौल कहाँ है? और ये हुजूर अलैहि सलाम का इंकलाब था कि जिन्होंने अपने हाथों से बेटियों को दफन किया था। जब सैयदुल शहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, गालिबन आज की शब शहादत हजरत सैयदुल शहदा अमीर हमजा भी है, हुजूर के सगे चचा जंग उहद में शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी रूह पर करोड़ों दुरूद और सलाम नाजिल फरमाए। हजरत अमीर हमजा की आज शहादत की शब है, अल्लाह उनका सदका हम सबको अता फरमाए। हजरत अमीर हमजा के सदके आपकी हम सबकी दिली मुरादें अल्लाह पूरी फरमाए। सैयदु शहदा हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए और आपकी यतीम बेटी जिस वक्त उसका तस्किरा छिड़ा मस्जिद नबवी में, आका ने फरमाया हमजा शहीद हो गए हैं, उनकी बेटी का
कि परवरिश कौन करेगा। तो सहाबे किराम सब के सब उठ के खड़े हुए और कहने लगे मैं कौन लोग जिन्होंने बेटियों को हाथों से दफन किया था। एक शहीद की बेटी के लिए आपस में ऐसा लगता था कहीं झगड़ा ना हो जाए। उनमें से सब लोगों को तसल्ली दी गई। तीन लोग अपने मुकदमे से पीछे हटने के लिए तैयार न थे। उन तीन में एक मौलाए कायनात अली मुर्तजा थे, एक हजरत जाफर तैयार थे और तीसरे जैद अंसारी थे। ये तीनों भी पीछे हटने तैयार न थे। मौला अली कहते थे हमजा की बेटी मैं लूंगा क्योंकि वो मेरा चचा था और मेरी वो चचाजाद बहन है, इसलिए उसकी परवरिश का हक मुझ पर बनता है और मैं करूंगा। हजरत जाफर तैयार ने कहा अली तेरा चचा था तो चचा मेरा भी था, लेकिन उसमें और बढ़कर बात मेरे पास ये है कि हमजा की साली यानी इस लड़की की खाला मेरे निकाह में है तो वो मेरे चचा की बेटी भी है और मेरी बीवी की भांजी भी है, इसलिए ज्यादा हक मुझ पे बनता है कि मैं उसकी परवरिश करूं, इसलिए उस बच्ची को मैं ले जाऊंगा। हजरत जैद अंसारी ने कहा या रसूल अल्लाह आपने एक मुहाजिर को एक अंसार का भाई बनाया था तो चूंकि हमजा मेरा भाई था इसलिए मैं लेकर के जाऊंगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकदमे पे मुस्कुरा रहे थे। कहा तो वो दौर था चंद साल पहले कि लोग बेटियों से नफरत करते थे खुद की बेटियों से, अब हुजूर ने वो दौर ला दिया था कि दूसरे की बेटी को परवरिश करने के लिए तीन तीन लोग मुकदमा लेकर के खड़े थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में एक औरत हुजूर के घर में आई, उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि उस औरत का रंग जर्द पड़ा हुआ है और दुबली पतली उसकी बच्चियां हैं, और उस गरीब औरत ने कहा उम्मुल मोमिनीन से घर में कुछ हो तो दे दो। उसने हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है मैंने ढूंढा कुछ नहीं मिला, फिर मैंने सोचा हुजूर अलैह सलाम का दरवाजा है, इस दर से कोई खाली नहीं जाता, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, आका के दर से कोई खाली नहीं जाता। तो मैंने ढूंढा तो एक छुआरा मिल गया, वो छुआरे को मैंने दिया। वो औरत को भूख लगी हुई थी लेकिन उसके साथ दो बेटियां थी, उसने अपनी भूख को छोड़ दिया और उस खजूर के दो टुकड़े किए और बराबर बराबर करके दोनों बेटियों के हाथ में रख दिया। अम्मा जान आयशा सिद्दीका चूंकि आपको औलाद नहीं थी और उसमें हजारहा हिकमतें हैं, इंशाल्लाह वो किसी मौके से बयान की जाएगी या मैं बयान कर चुका हूं। अम्मा आयशा को औलाद इसलिए नहीं थी, उसकी हजारहा हिकमतों में से एक हिकमत यह है कि कुदरत को यह मंजूर था अगर औलाद होगी तो तवज्जो औलाद की तरफ रहेगी, आयशा को औलाद न हो ताकि पूरी तवज्जो हुजूर से इल्म हासिल करने में लगाए और बाद में वही इल्म आप उम्मत के अंदर तकसीम कर दें, उसकी एक बड़ी वजह यह थी। तम्मा जान आयशा सिद्दीका को यह मंजर बड़ा अजीब सा लगा और आपने जो है वो खजूर के दो टुकड़े करके जब दोनों बच्चियों को एक मां को देते हुए देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। वो औरत और उसकी बच्चियां तो उठ करके चली गई और आंख में आंसू अभी झिलमिला रहे थे कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और उम्मुल मोमिनीन अल्लाह अल्लाह जो रसूल उम्मतियों की आंख में आंसू नहीं देख सकते, वो रसूल अपनी मुकद्दस ज़ौजा महबूबाए महबूबे रब्बुल आलमीन की आंखों में आंसू कैसे देख सकते हैं, वो आयशा जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो उसकी आंखों में आंसू कैसे देख सकते हैं। हदीस पाक का मफहूम है मेरे सरकार ने अम्मा आयशा की आंखों में आंसू देखे और फरमाए आयशा रोने की वजह क्या है। अम्मा जान आयशा सिद्दीका कहती है या रसूल अल्लाह मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा मंजर देखा है। आका फरमाते हैं आयशा उस औरत ने अपनी भूख को तरजीह नहीं दी बल्कि बेटियों को अहमियत दी। मैं तुझे बताता हूं और मैं उस औरत के लिए बशारत देता हूं कि कल कयामत के दिन अगर इसके गुनाहों के सबब से इसको जहन्नम में डाला जाएगा तो अल्लाह बेटियों से मोहब्बत के सदके में इस औरत को जन्नत बेहिसाब व किताब अता फरमाए। बेटियों की मोहब्बत के तुफैल। एक हदीस और पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूं। कभी कभी ऐसा होता है बेटी की शादी हुई, शादी के बाद दामाद अच्छा नहीं मिला तो बेटी का तलाक हो जाता है, और यूं भी हमारे शहर में तलाक अपनी मिसाल आप है। मैं इस इस्लाम और बेटी के उन्वान से जो हमारा सुन्नी इज्तिमा मुनक्किद हुआ है अनीस भाई की भाई और बहन की शादी के मौके पर, मैं पूरे शहर को एक पैगाम देना चाहता हूं। बुरा लगे तो माफ करना लेकिन एक पैगाम देना चाहता हूं। अपने शहर में तलाक बहुत होता है,
नमक ज्यादा होने पे तलाक, इस पे तलाक, उस पे तलाक, उस पे तलाक।